कि देखिए कभी कानपुर औद्योगिक और रोजगार की नगरी थी, आज कानपुर प्रदूषण पैदा कर रहा है। कानपुर का सारा सिविर गंगा जी में जाता है, इसके नीचे गंगा जी कहीं भी स्नान यानी आचमन की बात तो दूर, स्नान करने लायक नहीं। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कानपुर में किए गए प्रयोग का परिणाम है कि प्रयागराज में भी गंगा जी अविरल और निर्मल बनी हुई है। इसके दो उदाहरण स्पष्ट हैं। एक, कानपुर के सीसामऊ नाला को पूरी तरह चौक करते हुए वहां पर उसे हम लोगों ने आज सेल्फी पॉइंट में बदलने का काम किया है। और दूसरा, जाजमऊ के पास जहां एक भी जलीय जीव नहीं बचा था, आज गंगा जी में फिर से जलीय जीव दिखाई दे रहे हैं। और भाइयों बहनों, एक ओर अविरल और निर्मल गंगा की परिकल्पना को साकार करता हुआ कानपुर है, वहीं कानपुर आज अत्याधुनिक सुविधाओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है। कानपुर में मेट्रो की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत वर्ष ही प्रारंभ कर दी थी, तेजी के साथ इसका विस्तार हो रहा है। और मेरा अनुमान है फर्स्ट फेज के बाद अब सेकेंड और थर्ड फेज के कार्यों को बहुत शीघ्र हम कानपुर वासियों को लोकार्पित करने के लिए कानपुर में आएंगे। कानपुर को ट्रैफिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा को देने का कार्य करेंगे। इलेक्ट्रिक बस सेवा पहले से आपके कानपुर में संचालित है। तो भाइयों बहनों, औद्योगिक विकास की इसकी पहचान को फिर से वापस देने के लिए देश के अंदर जो दो डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं उनमें से एक कानपुर भी उसका केंद्र बिंदु है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट, इन सभी क्षेत्रों में डिफेंस कॉरिडोर से संबंधित नोड को लैंड बैंक और विकास के साथ जोड़ते हुए भारत की रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का केंद्र बिंदु एक बार फिर से कानपुर बनेगा। इसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, इसकी औद्योगिक पहचान दिलाने के साथ ही अभी आपने देखा होगा 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश शासन का बजट सप्लीमेंट्री बजट आया था, और सप्लीमेंट्री बजट में आपने देखा होगा कि 8,000 करोड़ रुपए का हम लोगों ने व्यवस्था की है जो लैंड बैंक बनाने के लिए कानपुर और झांसी के बीच में पर्याप्त मात्रा में लैंड बैंक तय करने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है, जिससे औद्योगिक निवेश के एक बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सके। भाइयों बहनों, एक तरफ विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है तो दूसरी तरफ आज नगरीय जीवन को बदलने की कार्रवाई को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है। आपने देखा होगा आज यहां पर अभी कुछ देर पहले लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दिया गया, तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कानपुर जैसे शहर में कैसे स्मार्ट सिटी ने इस पुराने नगर की तस्वीर को बदलने का काम किया है, आज यहां पर उसकी एक झलक भी आपको देखने को मिली होगी। 400 करोड़ रुपए की अधिकतर परियोजनाएं कानपुर सिटी से जुड़ी हुई, स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़ी हुई वे परियोजनाएं हैं जो कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन उस कार्य में कोताही बरती गई। और स्मार्ट सिटी मिशन का परिणाम है कि भाइयों बहनों, स्मार्ट सिटी मिशन जो हम लोगों ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया था, ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कोविड जैसी महामारी के दौरान एक तरफ कोविड प्रबंधन का काम करता था और दूसरी तरफ सिटी के कूड़ा प्रबंधन में भी यहां से मॉनिटरिंग करने का एक बेहतरीन माध्यम ये बना था। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आम नागरिक के जीवन को कितना सहज और सरल बना सकते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ICCC इसका एक उदाहरण है। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को इसके साथ जोड़ना,
और ICCC के साथ ही हमारे शहर सुरक्षित हो, इसके लिए सेफ सिटी की योजना कृषि के साथ इंटीग्रेट कर देना। यह प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एक नए मॉडल के रूप में 18 ऐसी सिटी एक साथ ICCC के साथ इंटीग्रेट करते हुए सेफ सिटी के रूप में बन रहे हैं। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते इतने पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। एक बेहतरीन प्रयास हो रहा है। कोई सोचता था पहले शहरी क्षेत्रों में गरीबों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले, आज उसकी सुविधा दी जा रही है। अकेले कानपुर में अब तक 25,000 से अधिक गरीबों को आवास मिले हैं, जिनमें 11,000 से अधिक, 14,000 से अधिक आवास कानपुर नगर में मिले हैं। और ग्रामीण क्षेत्र को अगर हम देखेंगे तो 11,000 से अधिक गरीबों को ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। स्ट्रीट वेंडर, कोई सोचता था ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वाले, मुझे बहुत पहले 2012 में और उससे पहले भी कानपुर में गोविंद नगर में कई जगहों पर सभाओं के लिए आना पड़ता था। मैं देखता था बड़े पैमाने पे पटरी व्यवसायी अपना व्यवसाय करते थे, पटरियों पे सोते थे, कोई पुरसाहाल नहीं था। आज भाइयों बहनों, पहली बार हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और उनके मार्गदर्शन में आज स्ट्रीट वेंडर के लिए व्यवस्थित कार्य योजना बनी है। ब्याज फ्री लोन उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है और अकेले कानपुर के अंदर 78,000 से अधिक ऐसे लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है, जिन्हें ब्याज फ्री लोन के साथ जोड़ करके जिनके जीवन को हम परिवर्तन के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकते हैं। अन्यथा कोरोना महामारी ऐसी महामारी आई थी जो न केवल अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही थी। दुनिया के अंदर जिन देशों ने लापरवाही की, उन देशों की स्थिति भले ही उनके पास संपन्नता रही होगी, भले ही उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर रहा होगा, भले ही उनके पास अच्छी सुविधा रही होगी, लेकिन उस सुविधा किसी काम की नहीं थी, क्योंकि टीम वर्क नहीं था, समय पे निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी और उन्होंने अपने समाज के प्रत्येक तबके के हित को ध्यान में रखकर के योजना नहीं, समय से नहीं बनाई थी। आज उसका परिणाम है वहां पर व्यापक क्षति हुई, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में न केवल टेस्ट फ्री था, उपचार फ्री था, वैक्सीन फ्री था, बल्कि फ्री में राशन की सुविधा के साथ ही हर एक तबके के लिए उस प्रकार की योजनाएं जो ने इस महामारी के दौरान भी उन्हें उनकी जीविका पर बुरा असर न पड़े, इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी और डबल इंजन की सरकार के द्वारा समय पे लिए गए निर्णय का परिणाम था कि कोरोना जैसी महामारी जिस प्रकार से आई थी, दुनिया को दहला रही थी, उसको समय से नियंत्रण करने में हम सबको सफलता प्राप्त हुई। भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं इसी बात को लेकर के, जो तेजी के साथ हम लोगों ने शहरी जीवन को परिवर्तित करने का काम किया है, आज स्मार्ट सिटी ही नहीं, ICCC ही नहीं, आज स्मार्ट रोड का निर्माण से लेकर के एक्सप्रेस हाईवे के लिए उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है। आज यहां का मेडिकल कॉलेज फिर से एक नई बुनियादी सुविधाओं से युक्त होकर के आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा यहां पर गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण की कार्रवाई
जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा वो आप सबके सामने है। कानपुर एयर कनेक्टिविटी से फिर से जुड़ सके, सेवा तो शुरू की गई लेकिन कानपुर में जितना लोगों की भीड़ है उसके हिसाब से यहां पर सिविल टर्मिनल का निर्माण होना चाहिए, उस कार्य को जिस स्तर पर आगे बढ़ाया गया अब यह न केवल मेट्रो सिटी बल्कि बहुत शीघ्र कानपुर का अपना एयरपोर्ट भी होगा और यह एक बड़ा कार्य आज आपको हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। भाइयों बहनों ढेर सारी संभावनाएं हैं और उन्हीं संभावना में आज आपसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। ये सभी कार्य आज तेजी के साथ इसलिए बढ़ते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कानपुर में विकास के लिए स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। राज्य शासन के स्तर पर कहीं योजनाएं अटके ना, इसके लिए राज्य में आपकी सरकार है। केंद्र में कोई योजना लटके ना, उसके लिए केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार विकास की स्पीड को भी तीन गुना करती हुई दिखाई दे रही है और इसलिए हर एक सेक्टर में कुछ न कुछ नया करने का कार्य हुआ है। और इसीलिए आप सबसे अपील करने के लिए कि प्रबुद्ध जन एक बार फिर से निर्णय लेकर के कि जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं हर एक सेक्टर में उसे आगे बढ़ाने के समय हम सबको मिलकर के एक बार फिर से आगे बढ़ना तैयार एक साथ मिलकर के कार्य करना होगा। कानपुर को एयरपोर्ट के हब के रूप करना होगा, कानपुर को पहचान होगी और इसलिए मैंने आज प्रबुद्ध जन को यहां पर आमंत्रित किया। मेरी अपील हो उन्होंने फरवरी 2023 में 10 से 12 फरवरी के बीच में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स का आयोजन किया है। आज उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के कई समूह दुनिया के कई देशों में जाकर रोड शो कर रहे हैं। जर्मनी में हमारा एक रोड शो है, सरकार के दो मंत्री आ गए हैं के साथ एक डेलीगेशन और आश्चर्य कि जब एक डेलीगेशन जर्मन में है आस्ट्रिया का एक डेलीगेशन मिलने के लिए सीएम लखनऊ में आया था और इस बात को लेकर के हम उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। देश और दुनिया का निवेश आमंत्रित किए हैं, कानपुर निवेशकों उद्यम और व्यापार का व्यास करने के लिए कि हम भी निवेश करने के लिए अपने समय या उत्तर प्रदेश में जहां भी सेक्टर में आप करना चाहिए उस सेक्टर में निवेश करने के पर सम्मान यूपी में मेडिकल कॉलेज में आप कर सकते हैं। एक वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। शिक्षा एक हब के रूप में सिटी को विकसित करने की कार्रवाई में आप कर सकते हैं। कानपुर बाहरी रोड का निर्माण हो रहा है, ये बाहरी रोड केवल भू माफियाओं के लिए जमीन हड़पने का माध्यम न बने बल्कि इस बाहरी रोड कहीं ट्रांसपोर्ट नगर बने, कहीं का कोई केंद्र बने, कोई केंद्र बने, एमएसएमई बने, औद्योगिक उसको आरक्षण करे, कहीं हाउसिंग की कोई स्कीम लेकर आए, एक सिस्टमेटिक रूप से आगे बढ़ाने के निजी निवेशक अगर आ जाते हैं तो भाई बहनों बहुत सारी संभावनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। और कानपुर के जो देश के अंदर दुनिया के अंदर और प्रदेश में बहुत सारी जगहों पर उन्होंने निवेश किया, मेरी आप सबसे अपील होगी आप निवेश करिए। आप उत्तर प्रदेश के अंदर अपने हरे इन्वेस्टर को जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश कर रहा है उसको पूरी सुरक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं, तकनीक से व्यवस्थाएं दे रहे हैं। हम लोगों ने देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो सिस्टम उत्तर प्रदेश के पास है जहां पर 350 से अधिक स्वीकृतियां एक साथ आपको प्राप्त हो सकती है। आपने शासन के साथ एमओयू किया, मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं सार्क के माध्यम से उसका मॉनिटरिंग कर रहा है कि कहीं पे आपकी फाइल रखे ना समय से एक साथ हो सके और आपने निवेश कर दिया। इंसेंटिव देने के लिए भी आपको कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ेगा बल्कि स्वयं लोगों ने अपने पोर्टल में अपनी बात कही और उसके बाद इंसेंटिव आपके अकाउंट में स्वतः आ
स्कूल और विश्वविद्यालय खोलना, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन खोलना, कोई स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलना, एसएमई के तमाम काम है। कानपुर में, कानपुर में आप लोग की ढेर सारी संभावनाएं हैं। सेक्टर जो 25 ऐसे सेक्टर राज्य सरकार ने बनाई है, इसमें जहां कहीं आपको लगता है कि आप निवेश करके न केवल अपनी पूंजी को सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री जी के विजन के रूप भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश इस दिशा में भारत की अर्थव्यवस्था की एक ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर सके, इसलिए मुझे लगता है हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में अगर कार्य करना प्रारंभ करेगा तो हम बेहतरीन परिणाम देने में सफल होंगे। आज कानपुर इस दिशा में इस प्रयास के साथ जुड़े हैं, इस विश्वास के साथ 400 करोड़ रुपए की जिन परियोजनाओं का आज भाई बहनों आपको प्राप्त होता है, इन सभी योजनाओं के मैं आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि स्थानीय निकाय के साथ साथ ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए हमारे प्रबुद्धजनों का